हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2022 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2021 की काउंसलिंग में जिनने पार्टिसिपेट किया है, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि गाय जैसा पहली बार हुआ है नीट यूजी के इतिहास में कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसके बाद भी एक और राउंड कंडक्ट करवाया गया और रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। कट ऑफ कितनी गई है, काफ़ी कम मार्क्स वाले तक स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ ताकि जो नीट यूजी 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, उनको ये पता चले कि एट लास्ट कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है और किस कैटेगरी में जो कट ऑफ होती है वो अप्रोक्सीमेट कितनी चली जाती है, वो पूरा आइडिया आपको हो जाएगा। इससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड हो चाहे स्टेट कोटा से रिलेटेड हो, टाइम टू टाइम आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और गाइस, पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफ़र, 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन 299 में। और अगर आप प्रिया 18 कोड रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो नीट यूजी की जो जनवरी है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये जो ऑफ़र है वैलिड रहेगा 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी विद टॉप एजुकेटर से 24/7। जो आपका डाउट वगैरह रहेंगे वो आप सॉल्व करवा सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी CBSE बोर्ड प्रिपरेशन के लिए और जो एकेडमिक काउंसलिंग है वो पर्सनलाइज किया जाएगा। और गाइस, जो नीट यूजी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन जो है इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनके थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी। आपके इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अन अकेडमी के थ्रू दी जाएगी। लाइव टेस्ट आपके टाइम टू टाइम रहेंगे, क्विजेज आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे और जो भी आपका कोर्स रहेगा आपका सिलेबस वाइज वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ में गाइस आपको PDF दी जाएगी। तो अन अकेडमी की तरफ से ये आप लोगों के लिए एक अमेजिंग ऑफ़र है। आपको प्रिया 18 कोड यूज़ करना है क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है 30 अप्रैल तक ही जो आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है गाइस। तो आप फटाफट से, यदि आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और प्रिया 18 कोड ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिल सके। और डिस्काउंट पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, वहाँ से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो अन अकेडमी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नीट यूजी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 2021 की काउंसलिंग जो कि अब तक आपकी चल रही है ऑल इंडिया कोटा। आप सभी को पता है 4 राउंड अब तक ऐसा होता था कि 2020 तक ऐसा होता था कि ओनली ऑल इंडिया कोटा के 2 ही राउंड कंडक्ट करवाए जाते थे, राउंड 1 और राउंड 2। उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज बच जाती थी वो सब वैकेंसीज मूव करवा दी जाती थी स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर, जो मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू फिल की जाती थी। लेकिन 2021 के अंदर ऑल इंडिया कोटा का 4 जो राउंड थे वो बोले गए कि 4 राउंड कंडक्ट करवाए जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो गाइज, वो 4 राउंड ऑल इंडिया कोटा के कंडक्ट हो चुके हैं। अब 4 राउंड कंडक्ट होने के बाद भी सीटें वैकेंट बच गई थी तो एक ऑफिशियल नोटिस निकाला गया था और नोटिस में जो अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद जो सीटें वैकेंट रह गई थी उसमें भी उनको, उन सीटों को मूव नहीं किया गया स्टेट कोटा में और उन सीटों के लिए एक और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मतलब 5वां राउंड कंडक्ट करवाया गया उन सीटों को फिल करने के लिए। उसका रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद का रिजल्ट, मतलब जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ है उसका रिजल्ट और उसकी कट ऑफ क्या रही है, कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, हम डायरेक्टली चलते हैं।
तो गाइज ये मैंने सबसे पहले ओपन किया है, जो फाइनल रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो यहाँ सबसे पहले एब्रीविएशन दिया गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, मतलब अगर किसी की फुल फॉर्म ना समझ में आए तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं जो रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ है। तो इस रिजल्ट में यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। यहाँ पर रैंक दिया है, किस रैंक तक के स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, किस कोटा से हुआ है, और कौन सा कॉलेज इन स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है, किस कोर्स में इनका हुआ है, अलॉटेड कैटेगरी इनकी क्या है, और कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, और रिमार्क के अंदर दिया गया है कि इनको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो गाइज आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग है जो रैंक की 2085, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा रैंक माना जाता है, तो इनको जो कॉलेज मिला है दिलशाद गार्डन न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज MBBS कोर्स इनको अलॉट हुआ है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे। उसके बाद 3700, तो मैं डायरेक्टली बात करती हूँ जो लास्ट रैंक का स्टूडेंट है कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो गैस टोटल मिलाकर ये 14 पेजेस है, तो इन 14 पेजेस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑल इंडिया रैंक मेंशन है, 20,000 रैंक चल रहा है, 20,000 रैंक पर स्टूडेंट्स को MBBS मिला है, और ये जनरल OBC SC ST सभी कैटेगरी के यहाँ पर स्टूडेंट हैं। तो 14 पेजेस हैं, मैं डायरेक्टली अगर 14वें पेज की बात करूँ तो 14 पेजेस के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है 323 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और रैंक गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी हाई रैंक पर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ रैंक की, तो रैंक देखिए 220,715 रैंक पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, इस कॉलेज में MBBS मिला है स्टूडेंट्स को, अलॉट हो गया है, और कैटेगरी क्या है, ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी 220,000 गाइज आप देख सकते हैं, तो इनके मार्क्स कितने ही कम होंगे और उसके बाद भी उनको इतना अच्छा कॉलेज मिला है। तो और ये पूरी जो लिस्ट है ये MBBS की लिस्ट है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ सीटें थी जो MBBS की वो ज़्यादा थी, BDS की सीटें कम थी, ये आप सभी को पता है। तो गैस ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 2022 में जो स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स आने पर भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता, उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि राउंड वन और राउंड टू के अंदर वो अप्लाई करते हैं, और आप सभी को पता है राउंड वन राउंड टू की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई चली जाती है, आफ्टर दैट स्टेट काउंसलिंग जो है वो साथ साथ चलती रहती है, तो स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरीके से मूव हो जाते हैं, और लास्ट में काफ़ी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हो जाता है। उसके बाद गाइज हम चलते हैं, एक और ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिस पर्टिकुलर कॉलेजेस को लेकर है, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या आपको कोई अलग से कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि जो टाइम था 2021 के सेशन का वो काफ़ी ज़्यादा डिले चला है, अब तक चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिले के बाद भी स्टूडेंट्स जो है अभी भी वेट कर रहे हैं कि इतने कम मार्क्स पर उनका अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या अब पॉसिबिलिटी है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसकी तरह उसको देख कर, तो गाइज़ ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, आप देख सकते हैं लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस है, सीट मैट्रिक्स को लेकर है, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। MCC ऑफ DGHS ने रिसीव किया है रिप्रेजेंटेशन कुछ कैंडिडेट्स का रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर नॉन कंसिडरेशन ऑफ ऑल अवेलेबल वैकेंट एंड और सरेंडर सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा ड्यूरिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ UG काउंसलिंग 2021। तो इस रिगार्ड में है ये ऑफिशियल नोटिस, इट इज़ मैंशन, ये मैंशन किया जा रहा है कि MBBS जो सीट है ऑल इंडिया कोटा कॉलेजेस की वेस्ट बंगाल की वर ड्यूली कंसिडर्ड, दो बार कंसिडर कर ली गई है गाइज, एंड पब्लिश्ड इन द सीट मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ UG काउंसलिंग 2021। द नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग हैज़ बिन पर्टिकुलरली मैंशन इन द ग्रीवेंसेस, हैंस इट इज़ इन्फॉर्म दैट देयर वर 4 सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड विच वर ड्यूली पब्लिश्ड इन द सीट मैट्रिक्स, दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ओनली। तो गाइज जो वेस्ट बंगाल है
स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है। एक्चुअल में जो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस थे, जो सीटें थी, उनको ड्यूली जो है कंसीडर कर लिया गया था गलती से, बाय मिस्टेकन, तो अब उनको रिमूव किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को है ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना था जो अप्रोक्सीमेट जिनके कट ऑफ के आसपास मार्क्स है, उनको प्रॉब्लम हुई थी। तो इस वजह से गाइस जो है सीट मैट्रिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसको लेकर ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो जिस भी स्टेट से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ आपको जाननी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो गाइस फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।